ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य असत्य असत्य। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आए दिन गोदी मीडिया का मोई मोई हो रहा है, कोई भी इनके शो में आके इनका बेड़ा गर करके चला जाता है। मगर क्यों? अरे आप ही देखते ना, इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो सामने से कोई पागल कुत्ता भोंक रहा हो। अरे बीजेपी वाला। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। बड़ा परिवारवाद क्या है? मोतीलाल नेहरू के बाद पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बड़ा परिवारवाद क्या है? परिवारवाद की परिभाषा हमने कभी बोला? परिवारवाद आपकी दुखती रग है। आपको होश है? आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए। दुखती रग मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, देश का प्रवक्ता। शो का नाम है हुनकार, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप हुनकारती हैं। मतलब भाई इनकी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं रही है, जो कोई भी आता है इनका माँ बहन करके चला जाता है। बजाओ ताली। अच्छा हम वीडियो बना रहे हैं, भक्तों की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आइए देखते हैं प्यारे प्यारे नमूनों पर उनकी खटिया खड़ी करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको फिर से कह दूं कि अयोध्या, पूर्ण अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है। कुछ सीटें हैं जहां से बीजेपी हारी है, और कहीं से और कहीं 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 पे ऐसी चीजें हैं बीजेपी के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हुई है, और राजनीति में ऊपर नीचे का दायां बायां चलता रहता है। पागल औरत, ऐसा तो कांग्रेस वाले भी कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से नहीं आ रहे, बस राजनीति में ऐसा होता रहता है। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। तो आप इस बात पे नहीं कह सकते, लेकिन बस आप थोड़ा दिमागी संतुलन लगाइए। आइए देखते हैं मजा आएगा। दूसरी बात, अगर तुम्हारा शेर अकेला लड़ा है तो अकेला सरकार क्यों नहीं बना पा रहा? क्यों नहीं बना पा रहा सरकार? बनाओ सरकार अकेला, बनाओ। गजब बेइज्जती है। मुसलमान चलेगा ना भारत पाकिस्तान चलेगा ना मंदिर मस्जिद चलेगा, चलेगा तो रोजगार चलेगा, चलेगा तो महिला सुरक्षा चलेगी, और चलेगा तो किसान की फसल का दाम चलेगा। इनको भगा के फेंकेंगे। क्या बात है सर। अंदाजा लगाइए कि अगर इनकी सरकार बन गई होती तो क्या हमारे राम मंदिर को रहने देते? ये क्या बात करते हैं यार। पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा कहाँ गए पापा? पूरे देश से भी अगर ऐसा नहीं हुआ रहता ना तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अयोध्या का जो परिणाम आया है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। कंट्रोल। पूरे देश से भी अगर ऐसा नहीं हुआ रहता ना तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अयोध्या का जो परिणाम आया है। भाई नंद भक्तों को अयोध्या के परिणाम से बहुत ही बुरा लग गया। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य असत्य असत्य। Wake up to reality. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत 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 असत्य असत्य असत्य। यह बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। नॉट बैड, नॉट बैड। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है।